शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यादव सर, सर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कारण जिंदा है। यादव सर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कारण जिंदा है। यादव सर हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। यादव सर हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। यादव सर तेरी मौत से इंकलाब आएगा। यादव सर तेरी मौत से इंकलाब आए। अशोक मित्तल चोर है, गली गली में शोर है। अशोक मित्तल चोर है, अब तो यह अस्पष्ट है। अशोक मित्तल भ्रष्ट है, अब तो यह अस्पष्ट है। अशोक मित्तल भ्रष्ट है, हत्यारों तुमको सजा मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हत्यारों तुमको सजा मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सायन में गौरीदत्त मित्तल स्कूल है, वहाँ पर भयंकर अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गुंडागर्दी व्याप्त है। इसके लिए हमने आंदोलन किया है। हमने 2 साल से हमारा ये आंदोलन चल रहा है और स्कूल में हो रही गुंडागर्दी और अपराध की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल का मैनेजमेंट को बर्खास्त करके उस पर सरकारी प्रशासक नियुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक वो आदेश लागू नहीं किया गया। इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। हम वहाँ पर उस स्कूल में एक शिक्षक को जबरन इस्तीफा ले लिया गया और बाद में उस टीचर की सदमे से मौत हो गई, और एक टीचर को जबरदस्ती इतना सताया गया, बदले की भावना से इतना सताया गया कि वो ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने जा रहा था। अपनी पेंशन लेने के लिए उसको दो दो तीन तीन बार यहाँ पर आकर भूख हड़ताल करनी पड़ी। एक टीचर को जो प्रिंसिपल था हमारा, उसको जो है इन लोगों ने इतना सताया लास्ट में कि वो जो उसकी आँखों की रोशनी चली गई। ये लोग भर्तियों में भयंकर भ्रष्टाचार करते हैं। पहले मास्टर पर नाम पहले चला जाता है और उसके बाद विज्ञापन बाद में निकलता है, इंटरव्यू बाद में हो जाता है। तो और भयंकर धोखाधड़ी, भयंकर 420 का काम होता है, झूठ और पक्षपात का पूरा आलम है, पूरा गवर्नमेंट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी तरह से वहां नकल कराने का धंधा चलता है, और एक बार वहां के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ये दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए थे पेपर बेचते हुए। बाद में सन 2013 में भी वहाँ पर जो है पेपर बेच नकल कराने का कांड हुआ, लेकिन सब अधिकारियों ने मिलकर के, मैनेजमेंट ने मिलकर के उस मामले को दबा दिया। तो ये लोग पैसे के बल पर पूरा गुंडागर्दी और अराजकता फैलाए हुए हैं। वहाँ पर टीचरों की ज़िंदगी जो है सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर लोगों का जो है जीवन जो है उनका भविष्य खतरे में है, स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन सब अनियमितताओं के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी एक टीचर को इतना टॉर्चर किया गया कि वो मर गया, उससे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, वो मर गया सदमे से। दूसरा टीचर जो है मरने के गगार पर था, अभी जो उसको किस तरह से जो है वो दो दो बार तीन तीन बार जो है वो मंत्रालय पे भूख हड़ताल किया, जब जाके उसकी पेंशन रिलीज हुई है। एक प्रिंसिपल जो था उसको जो है उसको इतना सताया गया कि वो तनाव के कारण, टॉर्चर के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और वो छुट्टी मांग रहा था कि हमको ऑपरेशन कराने की छुट्टी दे दो, उसकी नहीं दी गई, उसको नेत्रहीनता की अवस्था में उनको काम करना पड़ा। तो विद्यार्थियों के बारे में क्या प्रॉब्लम है? विद्यार्थियों के बारे में कि ये लोग मनमानी ढंग से जो है आयोग के टीचरों का अपॉइंटमेंट गलत ढंग से कर लेते हैं, और वो उसका असर सीधे विद्यार्थियों पर पड़ता है, उनकी ज़िंदगी तबाह होती है। और उसके बाद ये गरीब बच्चों को, जो झोपड़पट्टी जाने वाले बच्चे हैं, उनसे मनमानी फीस वसूली जो है कंप्यूटर के नाम पर, स्मार्ट क्लास के नाम पर मनमानी ढंग से अपने आप फीस वसूल ली जाती है। इस तरह विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर आज जो शिक्षकों का मोर्चा चल रहा है, इस मोर्चे में मैं सहभागी हूँ। सायन में श्री गौरीदत्त मित्तल हाई स्कूल है, उस स्कूल में मैनेजमेंट का जो ये अत्याचार है, भ्रष्टाचार और शिक्षकों का शोषण चरम सीमा पर हो गया है। चरम सीमा नहीं बल्कि वो सीमा को पार कर गए हैं। जितनी भी उनके यहाँ भर्तियाँ होती हैं, वैकेंसी होती हैं, उसमें जो है वो अपने ही लोगों को रखते हैं। जैसा मिश्रा जी ने बताया कि मास्टर पर नाम पहले चढ़ जाता है और एडवर्टाइज बाद में किया जाता है। यहाँ तक कि मैं खुद उसमें एप्लीकेशन किया था HM के लिए, लेकिन मेरे फार्म को रिसीव मुझे नहीं दिया उन लोगों ने, ताकि मैं उसमें अगर फाइट करूं तो आगे जाके मैं लड़ाई न लड़ सकूं। इसलिए उन्होंने हमारे फार्म को, एप्लीकेशन फार्म को रिसीव करके दिया ही नहीं मुझे, और ना ही मुझे कॉल किया इंटरव्यू के लिए। तो इससे ये सीधा सीधा समझ में आता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है। ये इंगड़े ज्ञानदेव सुखदेव कला शिक्षक होतो या संस्थेमध्ये, आणि रिटायरमेंटच्या वेळेस मला भयानक प्रताडित करण्यात आलं, यातना देण्यात आल्या, आणि हे मॅनेजमेंट जे आहे गैरकायद्यानं, बऱ्याचशा वाम मार्गानं बऱ्याचशा गोष्टी बेकायदेशीररित्या करून घेते, आणि जर कोणी शिक्षक त्याला प्रतिसाद देत नसेल तर त्याला एनकेन प्रकारे टॉर्चर करण्यात येते, खोटे नाटक काहीतरी मागणी करण्यात येते। तर हा जो प्रकार आहे
त्या शिक्षकाच्या याचा गैरफायदा घेऊन करण्यात येतो आणि इतर शिक्षक याच्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही आणि त्यांना बोलू दिलं जात नाही.